अलकनंदा नदी पे बनाया जा रहा है 200 मीटर लंबा ब्रिज और साथ में केदारनाथ के लिए जो रुद्रप्रयाग के जाम से होना पड़ता था परेशान, उसके लिए बनाई जा रही है साथ में एक टनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। अभी मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग के पास। रुद्रप्रयाग से पीछे बाईपास पड़ता है जहां से कि लेफ्ट साइड को केदारनाथ और राइट साइड को बद्रीनाथ को जाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर से जो गाड़ी गई ये बद्रीनाथ के लिए सीधे निकलते हैं और ये सामने जो नीचे से जाएंगे हम ये केदारनाथ के लिए रोड कटता है। आज इस वीडियो में हम मैं आगे जाऊंगा और एक जो बाईपास से टनल बन रही है रुद्रप्रयाग को बाईपास करने के लिए एक टनल बनाई जा रही है जो कि सीधे आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ रोड पे मिलाएगी। बद्रीनाथ के लिए जो ऊपर से रोड जाता है अभी जो रुद्रप्रयाग मार्केट से होकर गुजरता है तो अगर जब यात्रा सीजन हो तो बहुत तगड़ा जाम लगता है जिससे कि एक एक दो दो घंटे का जाम लग के यात्री बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इस समस्या को देखते हुए NHAI ने यहाँ पे एक टनल का निर्माण किया है जो कि सीधे बाईपास कर देगी रुद्रप्रयाग को। आप केदारनाथ और बद्रीनाथ को सीधे बाईपास होकर निकल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं तो ये बाईपास रोड है, ये पहले ही बनके तैयार हो चुका है जो कि रुद्रप्रयाग को बाईपास कर देता है। यहाँ से पहले आपको एक व्यू पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आप मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का नज़ारा देख सकते हैं। संगम पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है और यहाँ से आगे अलकनंदा होके गुजरती है। तो आप देख सकते हैं सामने नीचे से बाईपास रोड बनाया गया है जो कि इस साइड से जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से गुजरता है और सामने ये रुद्रप्रयाग बाजार है। आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपने यहाँ पे जाम की समस्या को देखा होगा। जाम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि बाजार बहुत कंजस्टेड है यहाँ पे जिससे कि बहुत ज़्यादा यात्रियों को सफ़र करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे एक बाईपास होते हुए आगे से एक टनल का निर्माण किया गया है जो कि नीचे आप जहाँ पे ये लाल रंग का ब्रिज दिख रहा है यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके वो टनल यहाँ पे मिलेगी। अभी हम इस वीडियो में आगे चलेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्रिज का निर्माण और टनल का कंस्ट्रक्शन और लाइनिंग वगैरह कम्प्लीट हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप कि एक बहुत बड़ा काम है ये जो कि उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड में आजकल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे हैं जिससे कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट होना बिल्कुल लाजमी है। आप देख सकते हैं ये बाईपास है यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से होके आप सीधे ही रुद्रप्रयाग को बाईपास करके सीधे केदारनाथ के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे जो व्यू है नीचे संगम पॉइंट भी है और बहुत ज़बरदस्त नज़ारा आप यहाँ आपके देख के नज़ारा ले सकते हैं, रुद्रप्रयाग मार्केट को देख सकते हैं और साथ ही में नीचे जो मैंने बताया संगम पॉइंट को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जो था कि एक टनल यहाँ पे नीचे थी जहाँ से कि एक छोटी सी टनल थी जहाँ से हम निकलते थे पहले जब ये बाईपास नहीं था तो बहुत ज़्यादा जाम लगता था जिसमें कि आदमी फंस जाता था और बड़ी देर तक यहाँ पे रुकना पड़ता था, उसके बाद हम आगे केदारनाथ के लिए निकलते थे। अभी उस टनल को भी नीचे मैं दिखाऊँगा आपको। पहले आप देखिए यहाँ पे नीचे संगम पॉइंट था। अब यहाँ से जैसे हम थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके उस टनल का निर्माण हो चुका है। अभी मैं आ गया हूँ ऊपर पॉइंट पे जहाँ से हम टनल को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये रोड नीचे जाके मिल रहा है और नीचे मंदाकिनी नदी को पार करने के बाद लेफ्ट साइड में केदारनाथ के लिए रोड कटता है और सीधा जो टनल बनी है इससे होते हुए आप सीधे रुद्रप्रयाग बाईपास, रुद्रप्रयाग बाजार को बाईपास करके आप सीधे ही बद्रीनाथ हाईवे पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड टनल बनी है और जो ये रोड इस साइड को राइट साइड में जाता है ये पुराना रोड था जिससे कि आप पहले केदारनाथ के लिए यहाँ से होके गुजरते थे। अब यहाँ पे बाईपास रोड तो यहाँ पे बन के तैयार है पर ये टनल का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और यहाँ से अब आप सीधे ही बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हो। यहाँ से सीधे आप आगे बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से यहाँ पे टनल का निर्माण किया गया है और ये टनल 900 मीटर की टनल है जो कि यहाँ पे इसको इस जो छोटा सा यहाँ पे पहाड़ है इसको क्रॉस करके आगे निकल जाती है और उस साइड सामने से पीछे वाला जो आप जो पहाड़ देख रहे हैं इसके जस्ट पीछे वो निकलती है। अभी हम उस साइड भी जाएंगे और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे मिलना है रोड ने आपस में। तो ये जो था ये बहुत बड़ा कार्य था जो कि कंप्लीट किया गया है और आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे पहले अलकनंदा नदी को क्रॉस करके आए और अब जाके फिर से मंदाकिनी नदी के ऊपर से निकल रहे हैं। तो सामने ये टनल है जिससे होते हुए सीधे जाके आप आगे निकल सकते हैं। अभी हम टनल के अंदर नहीं जा सकते, कुछ इसमें लाइटिंग से रिलेटेड काम चला हुआ है। हमारे लेफ्ट साइड को केदारनाथ के लिए रोड है, सीधा रोड जो होगा ये सीधा बद्रीनाथ के लिए जो बाईपास वाला रोड बन रहा है उस पर ये टनल मिलेगी। अभी हम यहाँ से जाएंगे आगे की तरफ को जो मैं बताता हूँ पुराना रोड था कि किस प्रकार से जब बाईपास नहीं था तो यहाँ पे आया जाता था। आप देख सकते हैं बहुत छोटा रोड है, इसको तो अभी थोड़ा यहाँ पे चौड़ा किया गया है पर लेकिन ये वाला जो रोड आप देख सकते हैं ये बहुत संकरा रोड था कि अगर दो गाड़ियाँ आए तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल सकते थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता था। इसके लिए बाईपास रोड तैयार हो गया है और साथ में अब ये टनल बन के और ज़्यादा स्मूथली आप यात्रा कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं जो मैं पहले ऊपर छोटी टनल की बात कर रहा था जो कि यहाँ से
होके आती थी। अगर आप केदारनाथ से वापस आ रहे हैं तो आपको पहले यहीं से ही होके गुजरना पड़ता था, जब ये टनल नहीं थी, यहाँ से होके गुजरना पड़ता था। और यहाँ भी इतना ज़्यादा जाम लगता था क्योंकि यहाँ पे संगम पॉइंट के लिए भी लोग जाते थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश रहता है यात्रा सीजन में। अभी तो केदारनाथ की यात्रा ख़त्म हुई है तो अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है, और अभी बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है। बद्रीनाथ 17 तारीख को नवंबर में क्लोज हो रहे हैं कपाट, तो आप देख सकते हैं कि इतना सही अभी इस टनल बनने के बाद हो जाएगा। इसमें अभी ब्रिज का काम जो किया वो चल रहा है, शायद अगले साल तक वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कंजस्टेड रोड है, एक साइड में गाड़ियाँ टैक्सी टूक्सी खड़ी रहती है और साथ में एक साइड से हम जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल हमारी गाड़ी ही गुजर रही है, अगर दूसरी गाड़ी आएगी तो जाम लगना बिल्कुल लाजमी है यहाँ पे। वो देख सकते हैं आप, पहले वहाँ से होके आना पड़ता था और यहाँ इस लाल वाले ब्रिज को क्रॉस करके इस साइड से होके आप केदारनाथ को जाते थे, पर लेकिन बाईपास बन गया तो आप सीधे जा सकते हो। अब जब टनल बन जाएगी तो फिर आप सीधे ही यहाँ से सीधे बद्रीनाथ रोड पर आएंगे, नहीं तो अभी भी टनल नहीं बन, टनल अभी तो नहीं चालू है, तो यहाँ से आते हैं तो पूरा जाम लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, हम भी यहाँ से गुजर रहे हैं तो पूरा जाम लग रहा है। ये तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। यहाँ से जो लेफ्ट साइड को है, यहाँ पे कोटेश्वर का मंदिर भी है, हम उस साइड को जाएंगे जिस साइड को ये टनल बन रही है, और यहाँ से होते हुए अगर आप जाएंगे अभी तो यहाँ से होके ही गुजर के इस पुल को पार करके आपको बद्रीनाथ के लिए जाना पड़ता है। अभी मैं आ गया हूँ दूसरे छोर पे जहाँ पे टनल बन रही है। आप देख सकते हैं ये टनल वहाँ से सीधे यहाँ निकलेगी और यहाँ से एक ब्रिज वहाँ के लिए बन रहा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। 900 मीटर लंबी टनल है, इसकी एक्सकवेशन कंप्लीट है और साथ में यहाँ पे लाइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये अलकनंदा नदी पे बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन, नीचे पियर इसके ऊपर आ गए हैं और इस पे सिर्फ दोनों पियरों को जोड़ने का और स्लैब का काम बचा हुआ है। अगर मैं बता दूँ तो ये टनल, मैंने आपको बताया कि 900 मीटर लंबी टनल है और साथ ही में यहाँ पे 200 मीटर लंबा अलकनंदा नदी पे ये ब्रिज बन रहा है। ये कैंटिलीवर टाइप का ब्रिज आएगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, यहाँ से कंक्रीट करते करते आगे को जाया जाएगा और पीछे को भी इसी तरीके से टनल की तरफ को जोड़ा जाएगा, यहाँ पीछे भी जोड़ा जाएगा, तो आने वाले टाइम में इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि बाईपास होकर आप सीधे वो सामने आप देख सकते हैं बद्रीनाथ रोड है, यहाँ से निकल सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ से आ रहे हैं, आप यहाँ से होते हुए सीधे रुद्रप्रयाग को क्रॉस करके यहाँ से निकल सकते हो और आपको जाम से निजात मिलेगी। अगर आप यहाँ पे यात्रा करने आए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितना ज़बरदस्त जाम लगता है। अभी चलते दूसरे छोर पे और वहाँ से यहाँ को दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, मैं वापस यहाँ पे आ गया हूँ जहाँ से हम टनल की तरफ को मुड़े थे। ये ब्रिज है, अगर आप अगर बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो वहाँ से आते हैं और इस ब्रिज को क्रॉस करके आपको फिर से अलकनंदा नदी को क्रॉस करना होता है और आप फिर से आगे लेफ्ट साइड में बद्रीनाथ की ओर को जाओगे। तो हम स्टार्टिंग में अलकनंदा नदी पे आए, फिर हम मंदाकिनी नदी को क्रॉस किया, फिर अलकनंदा नदी के पास आए और यहाँ से निकले। आप देख सकते हैं ऊपर से अगर हम घूमेंगे तो ऋषिकेश के लिए और आगे को जाएंगे तो सीधे हम बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। तो देख सकते हैं बहुत कंजस्टेड रोड है, अभी आप इसको देख सकते हैं, अभी यहीं से ही होके बद्रीनाथ को गुजरना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जाम लगता है यहाँ पे, बहुत देर देर तक जाम लगता है। अगर आपने यहाँ से यात्रा की है तो बहुत ज़्यादा टफ होता था। इस टनल को बनने के बाद ये सारी जो समस्या थी ये सारी कंप्लीट हो जाएगी और आप स्मूथली यात्रा को कर सकते हैं। आप अभी यहाँ से जो राइट साइड का रोड मुड़ता है, यहाँ से आप वापसी बाजार की ओर और नीचे जाके ऋषिकेश की ओर को भी जा सकते हैं, पर हम जा रहे हैं आगे टनल को देखने के लिए दूसरे छोर से, जिस साइड से बद्रीनाथ हाईवे है। आगे चलते हैं और आगे से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से टनल वहाँ पे दिखेगी और आपको थोड़ा सही से क्लियर होगा। ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे टनल बन गई है, उस दूसरी साइड से, दूसरे पहाड़ से इस साइड को आई थी, पहले हम दूसरे पहाड़ पे थे, वो सामने रुद्रप्रयाग बाजार है, इसको पूरा का पूरा बाईपास किया गया है। आप उधर से सीधे आके इस टनल से होते हुए इस ब्रिज को पार करेंगे और आप बद्रीनाथ हाईवे पे आएंगे और यहाँ से सीधे बद्रीनाथ निकल सकते हो। अगर बद्रीनाथ से वापस आए तो यहाँ से होके आप टनल को क्रॉस करेंगे और सीधे रुद्रप्रयाग के जाम से आपको निजात, और आप केदारनाथ जाना चाहो या फिर आप हरिद्वार ऋषिकेश जाना चाहो, वो भी बिल्कुल स्मूथली आप यहाँ से निकल सकते हो। तो देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पे काम किया जा रहा है। आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि हम अगले साल तक इस ब्रिज को रेडी कर देंगे। जब यात्रा शुरू होगी तो तब तक ये रेडी होगा, पर मुझे लगता थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, अगले साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा और पूरा का पूरा यहाँ पे स्मूथली रोड जो नेटवर्क है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ करता हूँ वीडियो को एंड। इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, साथ में रोड रेलवे नेटवर्क को अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसी के साथ करता हूँ वीडियो को एंड। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय बद्री केदार, जय केदारनाथ।